पुष्प चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। पद संभालने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट चौहान ने कहा कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है जिसके लिए समय समय पर अभियान चलाया जाएगा। पुष्प चौहान का ट्रांसफर संयुक्त सचिव MDDA से हरिद्वार डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। शनिवार को हरिद्वार DM के आदेश पर पुष्प चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जिसके बाद पुष्प चौहान ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद चौहान ने कहा कि हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है जिसके लिए समय समय पर अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मैंने आज यहाँ पे नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार का चार्ज लिया है और एज ए नगर मजिस्ट्रेट मेरी पहली प्राथमिकता शहर के लॉ एंड ऑर्डर की रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जो आम आदमी की समस्याएँ हैं उनका, जिनका निस्तारण मेरे स्तर से होना है, उनका मैं त्वरित गति से उनका निस्तारण करूँ और साथ ही सारे संबंधित जितने भी विभाग हैं यहाँ पे संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए हम लोग इस शहर को एक नए तरीके से शहर को सुव्यवस्थित करने का कार्य हम लोग करेंगे। और प्लस यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे अतिक्रमण की शिकायतें भी मुझे मिल रही हैं और मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो इसमें अतिक्रमण पर भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।